अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन कैंडल ऑफ नॉलेज। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 3। दोस्तों पार्ट नंबर 3 किस चीज़ का पार्ट नंबर 3 अब अभी पूछेंगे, तो इससे पूछने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पार्ट नंबर 3 हमने स्टार्ट की थी टेंसेस की सीरीज। तो टेंसेस की सीरीज में हमने 3 पार्ट्स टेंसेस के पढ़े थे, और उसमें पहला पार्ट था प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, और दूसरा पार्ट था पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, और आज का जो तीसरा पार्ट है ये डिपेंड है फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस के ऊपर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। ये चीज़ दोस्तों बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसमें अगर कोई चेंजिंग है तो उर्दू का पहचान है इसमें चेंज है, और इसके अलावा इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज है, बाकी फॉर्मूला लगभग उतना ही बिल्कुल वैसा ही है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह कि आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, हर टेंस के साथ एक एक हदीस भी सीखेंगे। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। उससे पहले मैंने आपको लिखा है हदीस नंबर 3। तो दोस्तों हदीस नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है, दोस्तों कह रहा है द बेस्ट अमंग यू हु लर्न द कुरान एंड टीच इट। दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि आप में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। ये तो हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अगर यही सेंटेंस जो एक हदीस है इसको अगर मैं प्रेजेंट में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, जिस तरह ये लिखा है द बेस्ट अमंग यू हु लर्न द कुरान एंड टीच इट। आप में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो दोस्तों आज के हमारे पास जो हदीस नंबर 3 था वो यही है, और इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो अपना टॉपिक हमारा आज है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उर्दू रिकॉग्निशन की। उर्दू रिकॉग्निशन मतलब उर्दू में पहचान। तो हर सेंटेंस का उर्दू में पहचान भी होता है, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब के बिना हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट हो तो वो हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमें हेल्पिंग वर्ब पता ना हो तो हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हो, कोई पैराग्राफ हो, तो हम उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि सेंटेंस उसका टेंस अच्छा ज़माना है अगर मलूम ना हो तो बहुत ही मुश्किल बात है। और इसके अलावा उर्दू पहचान की इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस उर्दू में मौजूद है और आपने उसको उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको उर्दू का पहचान होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको उर्दू का पहचान समझ में नहीं आ रहा तो आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका पहचान उर्दू में। अब इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर एंड फार्मूला। हर सेंटेंस का दोस्तों मैंने आपको इससे पिछले सेंटेंसेस में भी मैंने आपको बताया था कि हर सेंटेंस का अपना फार्मूला होता है। तो दोस्तों अभी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है और इसका फार्मूला क्या है। दोस्तों इसका फार्मूला ये है, पहले हम बात करने वाले हैं अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव हमारे पास सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वेल या शेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर शेल है ये हमारे पास आज मॉडर्न इंग्लिश में है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है। इस शेल को मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में ये शेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। शेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन हम शेल किसके साथ लगाते थे, आई एंड वी। तो इन दोनों सब्जेक्ट जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं, तो इनके साथ हमने क्या लगाना होता था, शेल। लेकिन अब ये कंसेप्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बल्कि अब तो ये ख़त्म हो भी चुका है, क्योंकि अब हम आई और वी के साथ भी वेल लगाते हैं। तो ये आज हमारे पास एक क्या रह गया है, एक मॉडर्न वर्ब। तो मॉडल वर्ब हमारे पास ये आज के दौर में इसको मॉडल वर्ब तरह तस्लीम किया जाता है। अब ये हमारे पास शेल वेल एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है एक वर्ब की पहली फॉर्म, और जिससे कि आपको पता होगा कि हर वर्ब की तीन फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म उसका क्या होता है, जो हम अक्सर प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव वहाँ पर हम क्या कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए और वो वीडियोज आपने देखनी चाहिए। तो दोस्तों अब वर्ब के बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इसके ऊपर भी मैंने एक सीरीज बनाई है, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, इसके बारे में आप मज़ीद डिटेल हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों
यहाँ पर इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वेट प्लस शेप प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वेट प्लस शेप प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट में यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसकी मैंने आपको बताया कि अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, इसके अलावा एंट्रोपी जो बनाना है, इसके अलावा नेगेटिव प्लस एंट्रोपी जो बनाए, तो वहाँ उसको उस सेंटेंस में आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों अब ये तो हमारे पास हो गया फॉर्मूला नेगेटिव टेंस का। अब यहाँ पर एंट्रोपी टेंस का फॉर्मूला क्या है, एंट्रोपी टेंस का फॉर्मूला ये है शेप वेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर शेल लगाया है, शेल लगाया है, लेकिन दोस्तों अगर मैंने इसलिए लगाया है कि आपको ये पता जरूर हो कि अगर कहीं पे आई एम बी के साथ आई एम बी प्रोनाउन के बाद आपके पास शेल हेल्पिंग वर्ब आया तो आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब की तरह फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये आज के मॉडर्न दौर में ये क्या है, हमारे पास एक मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आजकल मॉडर्न दौर में हमारे पास शेल नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ आप इलेक्शन दे सकते प्लस वेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो हो गया इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। इंटरोगेटिव के बाद हमारे पास आता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव का फॉर्मूला जैसा है, शेल वेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर लिखा है शेल, तो शेल अगर यहाँ पर ना हो, अगर आप ना लगाए तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आज के दौर में शेल को हटाया गया है और शेल की जगह भी वेल लगाया जाता है। शेल हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया कि शेल हमारे पास आई एम बी के साथ हम लगाते थे, लगाते हैं नहीं, लेकिन आज के दौर में कभी कभार लोग बना लेते हैं, वो वहाँ पर भी आई एम बी के साथ शेल लगा लेते हैं, तो भी ये सेंटेंस गलत नहीं बल्कि करेक्ट है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसी फॉर्मूला। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शेल है, शेल मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब है, शेल जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता था, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ हम शेल लगाते थे, आई एन वी। इसके अलावा हमारे पास रेस्ट ऑफ ऑल, रेस्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है दोस्तों इसके अलावा हमारे पास जितनी भी है उस हिसाब से हम क्या लगाते थे, वेल। तो लगाते थे नहीं बल्कि लगाते हैं अभी भी हम शेल, शेल को हटा कर वेल हम हर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। तो आज के दौर में अगर हम आई एंड वी को भी इसमें डाल दें तो ये ऐसा है होता है, ऐसा ही है। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके इंग्लिश के फॉर्मूले। तो मैंने रेस्ट ऑफ ऑल के बारे में आपको बताया कि रेस्ट ऑफ ऑल में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक हमारे पास हो सकता है ही, दूसरा हमारे पास हो सकता है शी, और तीसरा हमारे पास हो सकता है एट, एट के अलावा दे है, दे के अलावा यू है, नेम एंड नेम्स। दोस्तों नेम और इसमें क्या क्या होता है, नेम का मतलब होता है एक नाम और दूसरे दो, और दूसरे ज्यादा हमारे पास नेम होते हैं तो दूसरे ज्यादा नेमों को नेम्स कहते हैं। तो ये भी हमारे पास आते हैं, तो उसके साथ भी हमने वेल लगाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ही शी एट और इसके अलावा दे, ये हमारे पास कौन से प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आई एंड यू वी जो है, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, एंड ओनली यू जो हमारे पास होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। तो ये तो हो गया दोस्तों इसी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की बात आती है फॉर एग्जांपल। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है, एक एग्जांपल लिखने के बाद आपने मुझे इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, कम से कम दो आपने सेंटेंस बनाने हैं और दोनों सेंटेंसेस को आपने अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में जरूर बनाना है और मुझे कमेंट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर दो वर्ड दिए हैं, पहला वर्ड है राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, राइट का दूसरा फॉर्म होता है रोड एंड तीसरा फॉर्म होता है राइट। तो इसके अलावा हमारे पास कम है, कम हमारे पास एक क्या है, एक वर्ड है, तो कम का हमारे पास दूसरा फॉर्म होता है कैन एंड तीसरा होता है हमारे पास कम। तो दोस्तों अब इसके बाद बात आती है एग्जांपल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है वी शैल लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखेंगे। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारे पास है फ्यूचर इंडिपेंडेंस का, ये हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि यहाँ पर आया है शेल, तो शेल के अलावा अगर ये हमारे पास यहाँ पर वेल भी आता तो ये सेंटेंस क्या होता, करेक्ट होता। यहाँ पर दोस्तों वी शेल लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखेंगे, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, वी शेल नॉट लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के अलावा हमारे पास क्या होता है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, शेल वी लर्न इंग्लिश, ये दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्या हम इंग्लिश सीखेंगे, तो ये इसका क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इसके अलावा हमारे पास हिंदी की जो प्रेजेंट आर्टिकल हो, तो नेगेटिव प्रेजेंट आर्टिकल हमारे पास क्या है, शैल वी नॉट लर्न इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे पास आपके लिए एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल आपके पास मौजूद है, आपने बस सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है और हेल्पिंग वर्ब आपने फ्यूचर का लगाना है, जैसे कि आपने सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसी तरह है ये। तो बस आपने सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के बाद ऑटोमेटिकली इसकी मीनिंग्स दूसरे टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उर्दू की पहचान के बारे में आपको बताया। तो दोस्तों आज के लिए हमारे पास आज के लिए टॉपिक था, और आपने राइट एंड कम दोनों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ईट ड्रिंक, इसके अलावा हमारे पास है बात, बात के अलावा हमारे पास ड्राइव है, ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना। तो बहुत सारे दोस्तों हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो वीडियो जो आपके पास अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, अगर आपको किसी भी इंग्लिश ग्रामर में किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।